तो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास Naukri.com से कॉल ही नहीं आता, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है, कोई रेफरेंस बताओ, कोई सोर्स बताओ। तो दोस्त, मैंने और भी कई वीडियोज़ में ये आप लोगों को बताया हुआ है अच्छी तरीके से कि Naukri.com का जो पोर्टल है, जो Naukri.com का URL है, जो वेबसाइट है, आपको उस पर जाना है। डेली बेसिस पे आपको रिज्यूमे अपडेट करना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको रिज्यूमे अपडेट करना, तो अभी 1-2 घंटे पहले उसे ओपन करो, एप्लीकेशन को, जो आपका रिज्यूमे है उसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, जो आपने समरी डाल रखी है उसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। और आप कोशिश करो, अगर आप रात में जागते हो ना, तो कोशिश करो आप 12 बजे के बाद रिज्यूमे को एडिट करो, या उसकी जो वहाँ पर जब आप जाते हो ना कि प्रोफाइल पर क्लिक किया था एडिट प्रोफाइल, वहाँ पर जाके आप कोशिश करो 12 बजे के बाद अपडेट करो, या हो सकता है दिन में आप 1-2 बार एप्लीकेशन ओपन ही कर लो। अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली सी बात है, आपके फ़ोन में, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, आपके फ़ोन पे Naukri.com का एप्लीकेशन होना ही चाहिए। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आप उसी पे अपडेट करो, उसी पे डालो, उसी Naukri.com का रिज्यूमे आपको उसी पे अपलोड करना, उसी एप्लीकेशन पे, उसी पे एडिट करो, उसी पे सब चीज़ें करो। आप चलते फिरते व्हाट्सअप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, रील्स चला रहे हो, आप कुछ भी चला रहे हो, बस उसको मिनिमाइज़ करो, एप्लीकेशन ओपन करो। 2 मिनट लेता है यार, एप्लीकेशन को ओपन करो, थोड़ा कुछ प्रोफाइल समरी एडिट करो और फिर सेव कर दो, हो गया। बस यही एडिट होता है। और ये नहीं होता कि आप एक प्रोफाइल डेली डिलीट करो, फिर एक दूसरी प्रोफाइल बनाओ, फिर पूरा एडिट करके फिर नया बनाओ, कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। जाओ, डॉट हटाओ, दूसरे दिन डॉट लगाओ, डॉट हटाओ, दूसरे दिन डॉट, यही एक फैक्ट है। अब आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, बट उसकी जो प्रोग्रामिंग है ना, जो Naukri.com पोर्टल की या वेबसाइट या एप्लीकेशन की जो प्रोग्रामिंग है, वो इसी बेस पे की गई है कि जिसने CV अपडेट किया है उसका CV टॉप पे रहेगा। जो रिक्रूटर होते हैं उनको CV वो पहले दिखता है, इस तरीके से उसकी मॉडिफिकेशन, इस तरीके से वो प्रोग्रामिंग या वो एप्लीकेशन बनाया गया है। प्रॉपर अपडेट रहेगा तो उसका ही CV टॉप पे रहेगा, और रिक्रूटर जो होते हैं वो टॉप की CVs देखते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो 1 साल पुरानी CV उठाएंगे या 1 साल पुराना रिज्यूमे उठाएंगे, क्या पता उस बंदे को जॉब मिल गई हो, क्या पता वो जॉब करना नहीं चाहता हो, तो पुरानी CV वो क्यों उठाएंगे, वो तो लेटेस्ट करेंट उठाएंगे ना आज का। तो बस वही है मेरे दोस्त, जाओ और उस पर एडिट करो, डेली बेसिस पे 100% आपको कॉल्स आएंगी। तो बचा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये छोटा सी वीडियो था, मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे मुश्किल हो रहा था कमेंट का रिप्लाई करना, इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत, बी सेफ।